वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। कि वास्तव में तत्व क्या है उसको जाने के लिए मानू या नहीं कभी, पर है क्या नास्तिक है ही नकली नास्तिक है ऐसा नास्तिक है कि भगवान को मानकर झूठ कर तो सब नास्तिक ऐसे नास्तिक के लिए नास्तिक खड़ा होना चाहिए। खराब तो वो होता है कि उस परमात्मा को मानू नहीं, धर्म है परमात्मा है वेद है सब नहीं मानता। वास्तव में क्या है ये जानू तो मानू बनू नहीं मानू कहने से कह मानेगा शासक मन नहीं मानू सत्यानाशिक होता है। सत्यानाशिक उद्धार बहुत बढ़ गया था सत्यानाशिक होता है बीच में ऐसे रहते हैं कल पिछले होने वाले उनका बुद्धि है नारायण 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 और बोले कोई शंका और बोले देखो परमात्मा को सत कहते हैं सत हो उसका नाम है जिसका अभाव न हो ना अभाव बुद्धि से सत सद वस्तु का कभी अभाव नहीं होता
तो कभी अभाव नहीं होता, कहीं अभाव नहीं होता, उसमें अभाव नहीं होता। ये सब तो अभी है, सब समय में अभी है, सब वस्तुएं तो अपने में भी है और सबका अपना भी है। तो सर्वत्र सदा है, जो का क्यों रहता है उसको सब कहते हैं। अगर परिवर्तन हो उसमें, मिटता हो, बढ़ता हो, घटता हो, तो सब नहीं जलाएगा। वो सत्य है, किसी को अप्राप्त नहीं है, अप्राप्त है तो सत्य नहीं है। अब जो सबको प्राप्त है उसमें देरी किस बात की है? आस्तिक होता है, नास्तिक कैसा ज्ञान है? सब जगह है, ज्ञो का क्यों परिपूर्ण है, उसकी प्राप्ति में देरी क्या है? तो जिसको आप जानते हो कि ये रहेगा नहीं, पहले था नहीं, नाशवान है, असत है, ऐसा जानते हैं, उस जाने वो असत का त्याग नहीं करते, इस बार सत की प्राप्ति नहीं हो रही, प्राप्ति की प्राप्ति नहीं हो रही, प्राप्त की प्राप्ति नहीं हो रही। क्योंकि जो अप्राप्त को प्राप्त मानते हैं, असत है वो असत ही है, असत की सत्ता नहीं होती, वो है क्या है ही नहीं, एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण भी नहीं है असत, जो तो एक क्षण है, दूसरे क्षण क्या नहीं है। जिसको आप जानते हैं कि ये शरीर नहीं रहेंगे, धन नहीं रहेगा, उठन नहीं रहेगा, संपत्ति नहीं रहेगी, ऐसा जानते हैं और फिर इसी को रखना चाहते हैं और संग्रह करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो असत नहीं तो उलझे हुए हैं। असत में उलझने के कारण से सत वहां होता हुआ भी जी नहीं रहा, उसकी प्राप्ति में देरी क्या? आप भी मौजूद और सत भी मौजूद, केवल असत का आदर है मन में, महत्व जमा हुआ है असत का, आप असत भी मानते हैं और महत्व भी मानते हैं, ये अपनी दशा है, इसमें दया आनी चाहिए। निवृत्त होता ही है, असत्य से रहता रहता ही नहीं, जो नहीं रहता है निवृत्त होता है, उसकी निवृत्ति कर लो, मानो उसका आदर मत करो, महत्व मत दो, उसके पीछे मत दौड़ो, सत्य प्राप्त हो जाएगी। किन पर अब आपको असत नहीं दिखता हो तो कोई भाई शंका करो, ये शरीर और संसार, धन संपत्ति, धरोहर परिवार, जमीन, ये रहती है रहेगी, करो कोई शंका हो तो आपका असत नहीं रहेगी, अब जितना रहेगी ये उतनी खत्म हो गई, अब रहने का समय कम रहा, अगर जितना दिन आपके पास चीज रहेगी उतने दिन उसमें रहने से कम हो गए, उम्र खत्म हो गई और सदा खत्म होने पर कुछ नहीं रहेगा, वो खत्म हो रही है प्रत्येक क्षण। अब ऐसे असत को आप रखना चाहते हैं और बटोरना चाहते हैं, उससे सुख लेना चाहते हैं, ये कहाँ तक उचित है? आप स्वयं सोचो और खूब शंका करो दीजा है। हाँ पश्चिम दीखता है तो पूर्व का पश्चिम दीख है, उसके बस की बात नहीं है, परंतु चले पूर्व की पश्चिम दीख रहे, तो चले पूर्व के जाओ पश्चिम की तरफ ही चले, जिसको पूर्व की तरफ जाना हो और पूर्व भी उसको पश्चिम दिख रही है, और सूर्य उधर उधर होता है तो दीखता तो पश्चिम है, पर सूर्योदय को देख करके चलना चाहिए पूर्व की तरफ, बिल्कुल उसकी धारणा पर समझा रहे हैं, उनके जाए तो उन दिन चलना चाहिए, क्योंकि सूर्य जिधर है उधर पूर्व है, आपके पूर्व जानने से पश्चिम पूर्व नहीं हो जाएगी,
आप पश्चिम ज्ञान लोगे तो पश्चिम ही हो जाएगी। सूर्य उदय होता है वही पूर्व है। उस वास्ते आप पूर्व में जाना चाहते हैं तो सूर्य के सामने चलिए, पश्चिम दूसरे पर भी सही हो जाए। हाँ सूर्य भगवान अभाव में दिखता, ठीक है। सूर्य अभाव न हो तो फिर सूर्य के सामने चलना चाहिए ना। सूर्य उदय होता है इधर भी क्या, फिर जो पूर्व में जाना है उसको जो पश्चिम की बिल्कुल सूर्य अस्त होने वाले पश्चिम है ऐसा दूर कर दीजिएगा। तुम जाना पूर्व में तो कहीं चले जाओ, सूर्य सामने सूर्य उदय होता ही चले। अपने दिखने का मूल्य नहीं है, वास्तविकता का मूल्य है। अपना दिखना और वास्तविकता ये दोनों साथ में है, एक ही जगह है दोनों। ये दो जगह होती तब तो भ्रम होता, परंतु असली सूर्य दिखता है। जैसे आप अगर मैं हूं, अपना होना अपने आपको दिखता है। शरीर बदला, अवस्था बदली, वृत्ति बदली, परिस्थिति बदली, घटना बदली, सब बदला है। अरे आप हो मैं वही हूँ, तो जहाँ आप हो उधर ही गुरु है, वो असली आपकी जगह वही है। अरे नहीं है ये बिल्कुल पूर्व दीर्घता है, आपको बढ़िया धन बहुत अच्छा है, मान बड़ा अच्छा है, आराम बड़ा अच्छा है, ऐसा दीर्घता है। ये साई नहीं है, ये पूर्व नहीं है, इसमें तो अस्त होता है, सब अस्त होगा। वो तो अस्त होता है सब सब, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो अस्त नहीं होती हो। ये भी जानते हो आप तो अस्त होती है, ये भी जानते हो। और स्वयं मैं हूँ और इसमें सब मैं परमात्मा मानते हो, और अब कोई जानते हो अस्त नहीं होता, तो पूर्व तो यही है जो अस्त होता ही। अब अस्त होता है वो पूर्व है ही नहीं। अब बोलो तो जान चाहिए, आप जानते हो इस बात को, न जानते होते तो पता नहीं ना ऐसा कैसे। अभी तो अब भी शंका कर लो, हम नहीं जानते, बताओ तो बात जिसके है। तो आप चाल बंद मत करो, आप चलो पूर्व की तरफ ही। आपका मन बुद्धि इंद्रिया शरीर सब कह दे, हजारों आदमी कहते हैं कि गलत करते हो तुम, पश्चिम की तरफ जा रहे हो। वो तो पश्चिम की तरफ कहेगा, पश्चिम में तो अस्त होता है पर इधर उदय होता है, तो हम तो अस्त की तरफ जाएंगे, उदय की तरफ जाएंगे। तो हजारों लाख आदमी का भी क्या हुआ, उदय होता है वो पूर्व होती, अस्त होता है वो पश्चिम होती। ये अस्त होने वाली सब चीजें इसमें संदेह होगा। आप बोलो कि अस्त होने वाला नहीं है, सही अस्तम होने वाला नहीं है। परिवार है, रुपये पैसे है, मान है, आदर है, बधाई है, वाह वाह है, ये अस्त होने वाला नहीं है, ऐसा आग्रह नहीं करते। वो कह दो कि हमारे पास रहने वाली नहीं है, उस चीज की है तो रहेगी। आप जिसे होने वाली चाय ठीक करो, बताइए जो नाशवान है चाहे तो इसको दुर्मुख हो जाओ, और चाहे इसको भगवान के अर्पण कर दो, चाहे ये संसार में लगा दो, आप इनका भरोसा मत करो। अब जैसे जैसे तुम सुख रहेगा क्या, नहीं मान लो आ सकती है सुख मिलता है, वो आपकी जानकारी में सुख रहेगा तो समझदार होते हुए नहीं आएगा उस सुख में। क्यों सांप को भी यहाँ बार किया तो बड़ा अच्छा लगता है, चमकता है, हाथ लगाऊ मेरे हाथ में सुख मिलता है, काटेगा नहीं तो आइए आ सकती है तो घर बार खावेगी, अनेक जन्म मरना पड़ेगा, सब खाते एक जन्म मरेगा, आ सकती का खाया हुआ अनेक जन्म मरेगा। कारण घूम फिर सदा सदी नहीं,
ये जो संग है आसक्ति है तो इसमें मरता ही रहेगा किसी गिनती नहीं है। ये भी आपको समझ में आती पूछो, अभी समझ में आते हुए इस बात को नहीं मानते और उसे क्या किया जाएगा। इसमें बात क्या है, आप समझते हो और इसको हाई मानते हो। कृपानाथ आप कृपा करके जिसको आप नाशवान मानते हो, असत मानते हो, आप जानते हो असत है, इसलिए त्याग करते चले जाओ। बस ये नहीं जाओ, त्याग उसका भरोसा मत रखो, उसमें लालच मत हो, उसे लेने की इच्छा मत करो, उसे सुख मत भोगो। तो सुख क्या भोगे वो, ऐसे भर को क्या भर है कि जन्म तड़ा मर गया मेरे बहन का, ऐसा भर है नहीं मेरी मत। सराय कितने सराय बोल रहा घर में आदमी है, सुमन मन मालूम है कैसे मन में लगा है, मेरे ठीक है सुमन काटा कुछ है काटने में है ही नहीं। देखो ध्यान दे तो सुनो, घर में रहने वाले जो मनुष्य है और घर में रहने वाली जो वस्तु है दोनों है, उनको काटने से कुछ नहीं होगा, मरने से भी कुछ नहीं होगा। आप भाग जाओ तो कुछ नहीं होगा, उनको निकाल दो तो कोई केस भी तो गर्मी से नहीं। करो क्या, जो घर वाले कह लेते हैं उनकी सेवा करो और जो वस्तु है उनकी सेवा में लगाओ। उनको अपनी सेवा में लगाने की इच्छा करते हो कि मनुष्य भी मेरी सेवा करे और वस्तु भी मेरे काम आवे, ये अमृत की जगत ही है। मैंने कैसा हूँ अभी कैसा हूँ ये तो बोले तो वैसा नहीं, पूरा भीतर से क्या होना चाहिए, इनसे फायदा नहीं। ये नाशवान है, इनके बटोरने से इनके कहने करने से होगा क्या। भाइयों सज्जनों कृपा रखो, आप थोड़ा सा भी विचार करो। अरे धन रहेगा नहीं वो बनाते हैं, मकान रहेगा नहीं वो बनाते हैं, यश रहेगा नहीं उसको बनाते हैं, मान रहेगा नहीं उसको बनाते हैं, और उसमें उम्र लगा देते हैं, बुद्धि लगा देते हैं, धन लगा देते हैं, ज्ञान लगा देते हैं, सब अपने आप को भी लगा देते हैं, खत्म कर देते हैं, उम्र खत्म हो गई, खत्म कर दो करते चले जा रहे हैं। ये होश कब होगा, इस बात से कहीं निकालना नहीं है, फेंकना नहीं है, कहीं तो इनका आदर भी अमान के महत्व है, वो इस वास्तव में घातक चीज है। अब रुपयों का महत्व अंत करना पड़ा है, रुपये बहुत महत्व है, संबंध नहीं है, संबंध है। संबंध नहीं है और फिर मिलने वाला नहीं संबंध, कभी उम्र में कभी किसी जन्म में मिलने वाला नहीं, अब उसका संबंध पड़ रहा है जोर से। हम मिलने से दादा से पिताजी से बोल रहे मैं जब तर्पण भजन करो पानी से, मैं तो कहूँ जूता ने भी पानी दे दो तुम्हें मना कर देता, मैं बहने में मना कर देता हूँ। आप जाना चाहते हैं वो है खतरे को, तुम जाने में बड़ी भैया है, जूतों की सेवा करो, मरे वो श्राद्ध करो, तर्पण करो, पिंड दो, नाम जप करो, उनकी कल्याण करो, सब कुछ करो, बल्कि मेरे काम आएगा। आ तो भावना बिल्कुल छोड़ दो, भीतर ऐसे ये 10,000 रुपये इनका सर में तर्पण कर दो, सबको ही पानी दे दो, सबको ही पिंड दे दो, किसने मेरे काम आएंगे ऐसा। मेरा नहीं मत समझे, हमें काम में लेना है, मेरे काम आएगा। आप स्वप्न में मत रखो, कंध पानी देने वाले तो है दादा पिताना है, परंतु लेने वाले भी है क्या, घर में काम कर देंगे आ जाएंगे, बस चुप रहो, आशा छोड़ दो, धन से बल बुद्धि विद्या से अपने को कुछ मिलेगा, ये बिल्कुल खाता उठा दो तो आज ही सत्य प्राप्ति, आज अभी क्योंकि सत्य तो अपने आप है ही नहीं, असत को जो जोर से पकड़ रखा है सिवाय इनकी बाधा कोई है ही नहीं। कृष्ण की गलती कैसे मिला, ना तो जो मिला हुआ है, मिला हुआ है,
जो नहीं मिला उसको मिला मानते हैं, नहीं दादा। नारायण 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 नारायण। समय बहुत थोड़ा है, पर आदमी आते हैं समय खर्च करके अपना, सुबह का समय खेल की बहुत। नारायण 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 नारायण, ऐसी बढ़िया बात बताते हूँ कि आज अगर आप मेरी बात पर ध्यान दें और थोड़ी सी हिम्मत रखें, बड़ा भारी लाभ होगा, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। ऐसी बात आप लोगों के सामने बहुत बार मैंने ऐसी बातें कही है कि भाई परमात्मा तत्व हमारे साथ नित्य निरंतर है और संसार का सब संबंध निरंतर ही छूट रहा है, छोड़ रहा है उस संबंध को, छूट रहा है उस संबंध को, तो छोड़ना है और नित्य निरंतर संबंध बना ही रहता है उसको पकड़ना है। इस बात को मैंने कई तरह से कहा और ये सार बात है एकदम, फिर सुन लें। जो चेतन तत्व परमात्मा परिपूर्ण है, सामान्य रूप से सदा है, जो का क्यों परिपूर्ण है, सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना में है, जो का तो रहता है, उसका संग कोई छोड़ सकता नहीं, किसी में ताकत नहीं उसका संग छोड़ दे, वो सदैव सबके साथ में नित्य निरंतर रहता है। जागरण स्वप्न सुषुप्ति प्रलय सरग आदि सब अवस्थाओं में सबके साथ है, जो का क्यों ही बना हुआ है, उसकी प्राप्ति में किंचित मात्र संदेह नहीं, काल का काम नहीं, एक क्षण का भी नित्य प्राप्त है। और संसार जिसको आप मानते हो, सही संसार पदार्थ, ये कभी किसी के साथ में एक क्षण भी रहा नहीं और रहेगा नहीं और रह सकता नहीं और नहीं रह रहा है, जा रहा है बड़ी तेजी से, विलुप्त हो रहा है। तो उस विलुप्त होते हुए कुछ छोड़ देना क्या बड़ी बात है, छोड़ना क्या है, कि अपना न मानना, अपना संबंध न मानना, केवल संबंध न मानना, इस बात को करना और कुछ नहीं करना। इनका मेरे साथ संबंध नहीं है और परमात्मा के साथ हमारा संबंध अटल है ही, केवल इतनी बात को मानना, केवल इतनी। वो अभी प्राप्त हो गया, अभी संबंध विच्छेद हो गया, अभी दुख मिट गया, किंचित मात्र भी संदेह नहीं। तो परमात्म तत्व नित्य प्राप्त है और संसार सदा ही अप्राप्त है, एक क्षण भी आपके साथ में निरंतर दे रहा। इस बात पर आप डटे रहे, आपका एक काम है। अब मैं जो बात बताना चाहता हूं अब बताता हूं, वो एक बात है। ये जो आज आपके निश्चय में बात आ गई, इसको छोड़े नहीं, इस पर आप डटे रहे। लक्षण में देखें कि हमारे लक्षण भी नहीं घटे, ऐसे नहीं हुए कि हम भक्त नहीं हुए, अद्वेष्टा सर्व भूताना मित्र कम ऐसा आदि आदि जो सिद्धों के लक्षण है वो हमारे में नहीं आए, इस पर आप न देखें, अपने निर्णय के ऊपर डटे रहे। केवल ये बात है आज कहें आप, उसमें बेरा पार किंचित बार संदेह नहीं। अब इसमें थोड़ी सी बात सुन लें, जैसे अग्नि का ढेर हो, बहुत बड़ा एक गंध वैसे अग्नि का, अंगार ही अंगार पड़े हुए हो, उसमें एकदम गहरा पानी डाल दिया जाए तो पानी डालने पर वह अग्नि शांत हो जाती, बुझ जाती, परंतु उसके भीतर कोई हाथ रखेगा तो हाथ जल जाएगा, थपोला हो जाएगा, अग्नि नहीं है उसमें, अग्नि बिल्कुल नहीं है, परंतु हाथ जल जाएगा। शुद्ध क्या हुआ, अग्नि तो बुझ गई परंतु अग्नि का प्रभाव है वो नष्ट नहीं हुआ है, उसके नष्ट होने में देरी लगेगी,
अग्नि के बुझने में जल नहीं लगती। ऐसे ही वृक्ष काट दिया जाए और काट करके अलग कर दिया मूल से, वो पड़ा रहा अलग। वृक्ष कट गया वो अब हो नहीं सकता कुछ है, वो तो कट ही गया, परंतु उस पेड़ के पास में रहती हुई जो पत्तियां है वो भी गीली रहेगी कई दिनों तक, बहुत देरी तक गली गीली रहेगी। पतली टहनी पर जो पत्तियां बहुत जल्दी सूख जाएगी, मोटी टहनी पर पत्तियां जल्दी नहीं सूखेगी। और पेड़ के पास में अगर पत्ती पांच सात दो चार एक दो पत्ती भी हो तो वो कई दिनों तक नहीं सूखेगी, तो न सूखने पर भी वृक्ष हरा नहीं होगा, कुछ कटिया कट ही है। इसी तरह से ही असत के साथ संबंध हमारा नहीं है काट लो, और परमात्मा के साथ संबंध हमारा है ये मान लो, भले उन्हें मान के एक ही कर दो, परमात्मा के साथ संबंध को छोड़ो। संसार के साथ संबंध हमारा नहीं है ये काट दो, भाई अभी ये है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कितना ही आपको दिखे, कितना ही आप पर असर हो जाए, कितनी दृष्टियां भी खराब हो जाए, तो ये मिलने को मत छोड़ो, इसके साथ हमारा संबंध नहीं है। ये कटने पर भी जैसे पत्ती हरी रहती है ऐसे पुराना प्रभाव हरा दीजिएगा, उसे घबराना नहीं, उसमें समय लगेगा। आग बुझ गई उसे पानी डालते बुझ गई उसमें समय नहीं लगता, परंतु ठंडी होने में समय लगेगा। इसी तरह से परमात्मा तत्व है और संसार नहीं है, इसका संबंध नहीं है। संसार कैसा है कैसा नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ संसार का संबंध नहीं है। जैसे बाल्यावस्था के साथ आपका संबंध नहीं रहा, बूढ़े हो गए उनका जवानी के साथ संबंध नहीं रहा, तो और अब संबंध वृद्धावस्था के साथ कैसे रहेगा। शरीर के साथ संबंध विच्छेद हो रहा है, गर्भ में आए तब से 100 वर्ष की उम्र तक निरंतर वियोग हो रहा है, तो आपका वियोग तो है ही। अब इस बात को आप मान रहे तो वियोग तो आपका हो गया हो ही गया। अब उसका प्रभाव आपके देखने में नहीं आ रहा तो उसकी आप चिंता मत करो, इतनी बात मेरी मान लो। चाहे उसे 2 वर्ष लग जाए 10 वर्ष लग जाए तो परवाह नहीं, परंतु कट गया इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। जितनी ये दृढ़ता होगी आपकी उतना वो जल्दी प्रभाव नष्ट हो जाएगा, और इसमें ढिलाई करते रहोगे जहां प्रभाव नहीं देगा पीछे इसको ढीला करते रहोगे तो भाई उम्र भर भी शांति नहीं होगी, अरे आपको नहीं होगा नहीं अनुभव नहीं होगा, अरे फिर ढीला करते रहोगे। तो एक ही बात पर आज कृपा करके दृढ़ता कर लो, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक आ भगवान कहते हैं उसी एक होती निश्चय वाली बुद्धि। भोगे सूर्य प्रसन्नता नाम तयाप्रेताम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है उनकी बुद्धि निश्चय नहीं करती। तो बुद्धि के निश्चय न करने में रुपयों का एक तो आग्रह है, एक सुख भोग का आग्रह, ये दो आपके महान बाधक है, सिवाय कोई बाधक नहीं। हाय रुपया रुपया में ले गया मैं पकड़ लू ज्यादा हो जाए, और सुख भोग लू संयोग सुख भोग लू, ये दो महान बाधा है, परवाह मत करो इसकी। सच्ची बात ये कितनी बाधा आ रहा है, कितना रुपया प्यारा लगे, कितना ही भोग प्यारा लगे, परंतु ये छूटेगा। क्योंकि क्या पता ख्याल कर सुनना मेरी बात, बहुत गंभीर बहुत बढ़िया बात है। भोग कितना ही प्यारा लगे उसे ग्लानी होती है, उसे उपरती होती है, उसे संबंध विच्छेद आप स्वयं करते हो, उसका आप आदर करो। जो संबंध विच्छेद करते हैं उसका तो आदर करते नहीं, और संयोग करते उसका आदर करते, ये गलती होती है, बड़ी भारी गलती है। रुपया लाख आपके पास में पड़े हैं, अरे इंक्वायरी आ जाए तो मन से समझता हूँ अभी रुपये नहीं रहते, अभी नहीं होते रुपये, नहीं होते पैसा था, वो नहीं होना पर आपका आता है, उस नहीं होने पर संबंध विच्छेद को आप आदर नहीं देते। परमात्मा के संबंध को और संसार के दियो को आदर नहीं देते, महत्व नहीं देते, यही बड़ी भारी गलती है और कोई गलती नहीं। संसार के तो संयोग को आदर देते हो और परमात्मा के दियो को आदर देते हो,
ये दो बहुत बड़ी गलतियां हैं। इन दोनों गलतियों को आज मिटा दो अपने मन से, फिर धीरे कोई परवाह नहीं। संयोग का प्रभाव भी है नदी से, संसार के वियोग का प्रभाव भी है नदी से। प्रभाव की तो आवाज मत करो,